देव दीपावली पे की पूजा पुण्यदायी है। इस शुभ कार्य तिथि पे किए गए छोटे छोटे उपाय जीवन से ना केवल संकटों का निवारण करते हैं बल्कि जीवन की दशा और दिशा दोनों ही सुधार देते हैं। तो आइए जानते हैं देव दीपावली से जुड़े महाप्रयोग क्या हैं। कार्तिक की पूर्णिमा भगवान शिव, श्री हरि विष्णु, माँ गंगा, माता तुलसी, भगवान राधा कृष्ण के साथ भगवान कुबेर और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने का दिन होता है। देव दीपावली पर गंगा नदी में स्नान का विशेष महत्व है। कहते हैं कि इस तिथि पर गंगा स्नान करने से साधक के जन्म मरण के बंधन खत्म हो जाते हैं। यदि लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहें तो उसी दिन बैठ करके कमल गट्टे की माला मिल जाए। यदि कमल गट्टे की माला नहीं है तो अस्फटिक की माला, अस्फटिक की भी नहीं है रुद्राक्ष की है या तुलसी की माला है, नहीं है तो कर माला है। यदि उससे बैठ करके लक्ष्मी जी का जप कर लिया जाए, ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ये जप कर लेता है तो कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को तो उसको अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। देव दीपावली बेहद पुण्यकारी मानी गई है। तो अब समझिए ज्योतिष के विशेषज्ञों द्वारा बताए देव दीपावली से जुड़े कुछ महाप्रयोग। देव दीपावली पर दीप दान करके पितरों की कृपा भी पाई जा सकती है। घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। घर के दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। सुख समृद्धि के लिए गोमती चक्र, काली हल्दी, एक सिक्का और कौड़ी लपेटकर तिजोरी में रखना शुभ माना जाता है। भगवान कुबेर के आगे दीप जलाएं, धन संबंधी बाधाएं दूर होंगी। माँ लक्ष्मी की पूजा में खीर का भोग विशेष कर लगाएं। हिंदू धर्म में जिस तरह लगभग हर त्योहार में दान करने की परंपरा है और मान्यता है दान करने से सुख समृद्धि आती है, उसी परंपरा का निर्वहन इस त्योहार पर भी किया जाता है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्षीर सागर का दान भी किया जाता है। क्षीर सागर दान से होगा लाभ। इस दिन श्री हरि विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था, इसीलिए इस दिन क्षीर सागर का दान भी किया जाता है। क्षीर सागर का दान करने से स्वास्थ्य संपन्नता का वरदान मिलता है। 24 अंगुल का बर्तन ले लें, इसमें दूध भर लें, इसके बाद उसमें सोने या चांदी की मछली डाल दें। अब मछली समेत इस पात्र को किसी ब्राह्मण को दान करें। तो इस कार्तिक पूर्णिमा पर आप भी जलाइए सच्ची श्रद्धा के साथ मन्नत का एक दीपक और पा लीजिए ईश्वर का आशीर्वाद। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।